आज इस वीडियो में हम लोग VLCC पेडिक्योर मैनिक्योर हैंड एंड फुट केयर किट का रिव्यू देखेंगे। गर्मियों का मौसम आ चुका है और इस गर्मी के मौसम में सन टैन होना बहुत ही कॉमन है। सन टैन से हमारी स्किन ड्राई और डल दिखने लगती है, साथ ही साथ जो हमारी स्किन है उसका कलर भी काफ़ी डार्क हो जाता है। आज मैं आपको इस प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगी और साथ ही साथ में एक डेमो देकर के भी दिखाऊंगी कि कैसे पेडिक्योर और मैनिक्योर इस किट की सहायता से आप कर सकते हैं घर पर। इस मैनिक्योर और पेडिक्योर किट के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। ये किट एक ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में आती है और इसमें टोटल 5 चीज़ें हमें मिलती हैं। इसमें एक कार्ड दिया रहता है जिसके पीछे ये लिखा रहता है कि आप इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करें। पहला प्रोडक्ट पेडिग्लो हैंड एंड फुट क्लेंजर है। सेकंड क्यूटिकल ऑयल दिया है। थर्ड हैंड एंड फुट स्क्रब दिया गया है। फोर्थ कोका बटर हैंड एंड फुट क्रीम दी गई है और फिफ्थ ऑरेंज एंटी टैन पैक दिया गया है। यानी कि हमें टोटल 5 चीज़ें इसमें मिलती हैं। मैं आपको डेमो देकर दिखाती हूँ कि इस किट का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं पेडिक्योर और मैनिक्योर घर पर करने के लिए। सबसे पहले आपके नेल्स पर जो भी नेल पेंट लगा हो आप उसको रिमूव कर लें। उसके बाद एक टब में हम थोड़ा पानी लेंगे और उसमें हम ये जो पहला प्रोडक्ट हमारा दिया गया है क्लेंजर उसको डालेंगे। अब हम पानी में इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अपने पैरों को 5 से 10 मिनट के लिए इसमें सोक करके रखेंगे। इस तरह से पैरों को पानी में भिगो कर रखने से हमारे पैरों की त्वचा सॉफ्ट हो जाती है, साथ ही साथ जो हमारे पैरों की जो गंदगी है वो भी दूर होती है और हमारे पैरों की त्वचा सॉफ्ट होने की वजह से जो हमारे पेडिक्योर की आगे की प्रोसेस है वो भी इजी हो जाती है। अब हम अपना सेकेंड प्रोडक्ट क्यूटिकल ऑयल लेंगे और इसको अपने नेल्स पर इस तरह से लगा लेंगे और अब हम धीरे धीरे नेल्स पे मसाज करेंगे। इस क्यूटिकल ऑयल से हमारे नेल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं और साथ ही साथ ये क्यूटिकल के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अब हम सीजर या फिर नेल कटर की सहायता से जो अपने नेल्स हैं उनको काटेंगे और अब हम इसको थोड़ा सा शेप देंगे। अगर आपके नेल्स बड़े नहीं हैं और वो पहले से ही शेप में हैं तो आपको ये स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक क्यूटिकल पुशर लेंगे और अपने क्यूटिकल्स को थोड़ा थोड़ा पुश करेंगे और जो एक्स्ट्रा क्यूटिकल है उसको हम क्यूटिकल कटर की सहायता से रिमूव करेंगे। अब हम अपने पैरों को थोड़ा सा गीला करेंगे और जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट यानी कि हैंड एंड फुट स्क्रब दिया गया है उसकी थोड़ी क्वांटिटी लेंगे और अपने पैरों को अच्छे से स्क्रब करेंगे। पैरों के ऊपर और तलवे दोनों जगह हम अच्छे से स्क्रब करेंगे। स्क्रब करने से हमारे पैरों की जो डेड स्किन सेल्स है वो रिमूव हो जाएगी और साथ ही साथ जो हमारे पैर ड्राई और डल हो चुके हैं उसको भी ये काफ़ी हद तक सही करेगा। अब मैं यहाँ पर एक फुट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ और उसका जो दूसरा पार्ट है यानी स्टील वाला पार्ट है उससे मैं अपने हील्स की डेड स्किन को निकालूंगी। अगर आपके पास ये फुट ब्रश ना हो तो आप इसकी जगह पर स्टोन का यूज़ भी कर सकते हैं। ब्रश से बहुत ही इजीली आपके पैर अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और जो भी डेड स्किन सेल्स है वो अच्छे से निकल जाती है और आपकी जो हील्स है वो सॉफ्ट और क्रैक फ्री भी होती है।
अब हम अपना चौथा प्रोडक्ट लेंगे यानी कि फुट एंड हैंड क्रीम। उसको अच्छी क्वांटिटी में लेंगे और इससे हम अपने पैरों की अच्छे से मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद हम पैरों को पानी से साफ कर लेंगे और उसके बाद हम ऑरेंज एंटी टैन पैक को अपने पैरों पर लगाएंगे और सूखने देंगे। जब पैक सूख जाएगा तब हम उसे पानी से धो लेंगे। अब लास्ट में हम कोई भी बॉडी ऑयल या फिर फूट क्रीम हम अपने पैरों पर लगाएंगे जिससे कि हमारे पैर अच्छे से मॉइस्चराइज रहें। लास्ट में हम अपने मनपसंद कोई भी नेल पेंट अपने नेल्स पर लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे जो पैर हैं वो पहले कितने ड्राई और डल लग रहे थे और अब पैरों की जो स्किन है उसकी डलनेस भी चली गई है और साथ ही साथ ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए हैं। आप सेम वे से मैनिक्योर भी इसी तरह से कर सकते हैं। ये पेडिक्योर और मैनिक्योर किट की MRP 475 रुपीज़ है, लेकिन आपको इस पर बहुत बारी डिस्काउंट आता है तो ये आपको 300 से 400 रुपए तक की मिल जाती है। और इसमें जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो 4-5 बार अगर आप अच्छे से पेडिक्योर और मैनिक्योर करते हैं उसके लिए सफिशियंट है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।